हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और सॉरी मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। तो आज का जो मैच था वो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में था, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने लास्ट ओवर में मैच जीत लिया। तो बैटिंग करने आए चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डु प्लेसी बहुत जल्दी आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ 13 पे आउट हो गए और डु प्लेसी 10 रन्स बनाए उन्होंने। और उसके बाद रॉबिन उथप्पा खेले आज सुरेश रैना की जगह, और रॉबिन उथप्पा ने भी 19 रन्स बनाए कुछ। उसके बाद मोइन अली आए, वो भी आउट हो गए। उसके बाद अंबाती रायडू की अच्छी पारी थी, उन्होंने 55 रन्स बनाए। और एम एस धोनी के साथ उनकी 50 रन्स की पार्टनरशिप भी हुई। और इसी के साथ चेन्नई ने 136 रन्स बनाए। अंबाती रायडू की 55 रन्स की बहुत क्रूशल लॉक थी उनकी। अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की दिल्ली की तरफ से, 4 ओवर्स में 18 रन देके 2 विकेट लिए। और ऋषभ पंत की कैप्टनसी भी बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने भी अच्छे माइंडसेट से बॉलिंग कराया और 136 पे चेन्नई को रोक दिया। उसके बाद जब दिल्ली बैटिंग करने आए तब पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो गए और श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। शिखर धवन ने अच्छा नॉक खेला 39 रन्स का। ऋषभ पंत भी आउट हो गए। उसके बाद रिपल पटेल आज खेले, वो भी आउट हो गए। उसके बाद अश्विन भी आउट हो गए, 2-3 ऐसे ऐसे बना के आउट हो गए। उसके बाद हेटमायर ने 28 रन्स बनाए और अक्षर पटेल ने 5 रन्स बनाए। लास्ट ओवर में हेटमायर और अक्षर पटेल खेल रहे थे, तो हेटमायर ने लास्ट ओवर तक आखिर कर जिता दिया दिल्ली को। ये मैच बहुत लास्ट ओवर तक चला गया। ये मैच कुछ 14-15 ओवर में ही ख़त्म होना चाहिए था एक्चुअली। आज अभी से मतलब बहुत लो स्कोरिंग मैचेस बन रहे, इसलिए 136 पिछले मैच में भी बहुत लो स्कोरिंग बन रहे। तो यूए की पिच पे मतलब बहुत लो स्कोरिंग बन रहे और वो चेज भी नहीं हो पा रहे इतनी आसानी से, ऑलमोस्ट लास्ट ओवर तक जा रहा है। तो ये था आज का मतलब आज का मैच, जो कि दिल्ली जीत गया 3 विकेट से। और अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो दिल्ली अभी टॉप 2 में आ गया है, क्योंकि उनके पास अभी 20 पॉइंट्स आ गए, 20 पॉइंट है दिल्ली के पास। उनका अगला मैच आरसीबी के साथ है, उसके बाद सीएसके और आरसीबी, मतलब दिल्ली चेन्नई और आरसीबी क्वालिफाई हो गए। अभी एक और एक टीम करनी है, उसमें से केकेआर हो सकती है, एमआई हो सकती है, पंजाब भी हो सकती है और राजस्थान भी हो सकती है, लेकिन एमआई और केकेआर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और कल जो मैच है वो है राजस्थान वर्सेस मुंबई इंडियंस। तो उस वो मैच में बहुत ही नज़र रहेगी सारी टीमों की, क्योंकि वो मैच से रिजल्ट पता चलेगा। प्लेऑफ में फोर्थ टीम कौन सी रहेगी, ये बहुत ही अच्छी रेस चल रही है प्लेऑफ के लिए। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या हो, क्या मतलब कौन होगी फोर्थ टीम और आपको क्या लगता है आज के मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताना। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। Thanks for watching. Bye.